संडे का दिन रहता है। दया शॉपिंग करके घर वापस आती है। तभी उसके घर दया के सभी दोस्त आ जाते हैं। सभी एक दूसरे से बातें करते हैं। बातों ही बातों में दया अपने हील्स के बारे में अपने दोस्तों को बता देती है और उन सभी को एक एक करके दिखाती है। सभी को वो हील्स बहुत पसंद आती है, उसकी बहुत प्रशंसा भी करते हैं। थोड़ी देर होने के बाद उसके सभी दोस्त अपने घर वापस चले जाते हैं। दया भी अपनी हील्स को टेबल पर रखकर आराम करने के लिए अपने कमरे पर चली जाती है। कुछ देर बाद जेठालाल घर वापस आता है और जेठालाल दया से पूछता है, दया आज तुमने क्या क्या शॉपिंग किया? तो दया कहती है, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। और वो दोनों ही लिविंग रूम पर आते हैं तो वहाँ दया देखती है कि हील्स टेबल पर नहीं है। वो इधर उधर देखती है लेकिन उसे कहीं मिलता नहीं है। फिर दया जेठालाल से कहती है, मैंने हील्स यहीं रखा था और अब मिल नहीं रही है, इसका मतलब है किसी ने मेरा हील्स चुरा लिया। फिर जेठालाल कहता है, उसके बारे में जिसको जिसको पता था उन सभी को यहाँ बुलाओ। दया अपने दोस्तों को कॉल करके फौरन बुलाती है। जेठालाल उन सभी से पूछता है, आप सभी क्या कर रहे थे? अंजलि कहती है, मैं तो टीवी देख रही थी। माधवी कहती है, मैं तो अचार पापड़ की पैकिंग कर रही थी। बबीता कहती है, मैं तो घर पर सो रही थी, मैंने दया का हील्स नहीं लिया है। रोशन कहती है, मैं तो गोगी को पढ़ा रही थी। इन सभी की बातें सुनने के बाद जेठालाल को तुरंत पता चल जाता है कि दया का हील्स किसने चुराया है। तो दोस्तों, क्या आपको पता चला कि दया का हील्स किसने चुराया है? अगर आपको पता चला तो हमें नीचे कमेंट करके बताइए। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। दोस्तों, इनमें से चोर कोई और नहीं बबीता है, क्योंकि उसने कहा कि मैंने दया का हील्स नहीं लिया है, जबकि जेठालाल ने तो किसी को बताया ही नहीं था कि दया का हील्स चोरी हो गया है। तो उसे कैसे पता चला कि दया का हील्स चोरी हो गया है? तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको आंसर जानने में कितने सेकंड लगे थे।